बरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे नंदी मजरे हमीदपुर बड़ा गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे हजारों की कीमत की गृहस्थी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने नुकसान हुई गृहस्थी का आकलन किया। कोतवाली क्षेत्र के पूरे नंदी मजरे हमीदपुर बड़ा गांव निवासी राजू यादव के घर में मंगलवार की देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हजारों कीमती के गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए। इस बाबत भुक्तभोगी राजू यादव ने बताया कि मंगलवार की रात हम सब परिवारजन प्रतिदिन की भांति खाना खाकर सो गए। करीब रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई। जानकारी होने पर मैं परिवार जब तक आग पर काबू पाते तब तक घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया और घर में बंधे मवेशी भी झुलस गए, जिससे हजारों का नुकसान हो गया। हल्का लेखपाल अमर सिंह यादव ने बताया पूरे नंदी मजरे हमीदपुर बड़ा गांव में राजू यादव का घर पर आग लगा, जिसकी सूचना मिली और मौके पर जाकर जांच किया, जहां आग लगने से मोटरसाइकिल खाद्यान्न और आदि सामानों की क्षति हुई है। हल्का लेखपाल ने जले हुए सामान आकलन कर 51,000 रुपये की अनुमान बताई है। राम तिवारी कहाँ के रहने वाले? नंदीपुर। ये जो क्या घटना घटित हुई है रात में? रात में 3 बजे लगे केबल से। क्या लगी है आग? क्या नुकसान हुआ है आपको? सब कुछ बहुत नुकसान, गाड़ी घोड़ा गोरु बछेरू सब बर गए। और कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं भैया, खटिया मटिया कुछ बचा नहीं ना, सब बर गए है। राजू यादव कहाँ के रहने वाले? नंदीपुर। ये जो आग लगी है कब लगी थी? रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से रात 3 बजे करीब लगी। क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान में सब तखत रही घाट मचिया लड़के बच गए, जानवर जल गए हैं, पंखा वगैरह रहने थे, सब चीज़ लाइट वाइट के सारा वो रहने घर के जितना रहने थे गृहस्थी का सामान लगभग सब जल चुका है। जानवर और गाड़ी जल गए, हमारा मोटरसाइकिल खड़ी रही थी, बस वही कि लड़के बचे हैं थोड़े बहुत जो बच पाए हैं, बाकी जानवर वगैरह जितना रहने सब जले हैं आपके सामने ना है।